मिशन राम मंदिर पर निकले श्री श्री रविशंकर का अयोध्या दौरा संपन्न, कहा नतीजे में जल्दबाजी ठीक नहीं। अयोध्या में मंदिर के पक्षकारों से मुलाकात के बाद श्री श्री ने कहा समझौता आसान नहीं, चाहे जितनी बार फेल हो जाऊं कोशिश जारी रहेगी। श्री श्री ने कहा मुलाकात से बन रहा है सकारात्मक माहौल, दोनों समुदाय के लोगों को आना चाहिए एक साथ। श्री श्री से मुलाकात पर महंत नृत्य गोपाल दास ने कहा किसी फॉर्मूले पर बात नहीं, परिचय था इसलिए आए थे मिलने। अयोध्या में श्री श्री ने राम जन्मभूमि का भी किया दर्शन, एक दिन का था दौरा। श्री श्री के मिशन राम मंदिर को लेकर वीएचपी से बड़ा झटका, कहा सिर्फ कोर्ट से कानून से समाधान। श्री श्री मिशन राम मंदिर से बीजेपी ने भी किया किनारा, अपनी तरफ से सहमति बनाने की कोशिश कर रहे हैं लोग। श्री श्री रविशंकर के मिशन पर ओवैसी का बयान, समझौते के नाम पर हो रहा है तमाशा। मिशन राम मंदिर पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा यमुना की बर्बादी से जुड़े मामले में पहले भरना चाहिए एनजीटी का जुर्माना। एक दिन पहले लखनऊ में श्री श्री रविशंकर ने आदित्यनाथ योगी से की थी मुलाकात, कहा सिर्फ शिष्टाचार के नाते मुलाकात। सीएम योगी ने कहा मुझे श्री श्री के फॉर्मूले के बारे में कोई जानकारी नहीं। 5 दिसंबर से मंदिर मुद्दे पर शुरू होनी है सुनवाई, अगर बातचीत से समस्या का समाधान होना होता तो अब तक तय होता। महंत नरेंद्र गिरी और महंत धर्मदास ने सीएम योगी से की मुलाकात, राम मंदिर निर्माण पर चर्चा। श्री श्री की पहल पर नरेंद्र गिरी महाराज ने कहा हम लोग कर रहे हैं काम, 2 महीने पहले पता नहीं कहां से आ गए। श्री श्री रविशंकर के मिशन राम मंदिर पर आज तक का बड़ा खुलासा, सुन्नी वक्फ बोर्ड के रजामंदी के लिए पैसे का ऑफर। निर्मोही अखाड़ा के संत दिनेंद्र दास ने कहा 1 करोड़ से 20 करोड़ तक का दिया जा सकता है ऑफर। 2 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ जैसे उनकी खुशी मंदिर बन जाए, मिलेगा देगा आदमी को, दोनों को तो मिलना नहीं बन जाए। महंत दिनेंद्र दास का दावा, पैसे के साथ मस्जिद के लिए जमीन देने का भी प्रस्ताव। सुन्नी वक्फ बोर्ड के हाजी महबूब ने खुलासे पर जताई प्रतिक्रिया, कहा महंत दिनेंद्र दास कर रहे हैं गलत बयान। पैसे के लेन देन पर मौलाना रशीद फिरंगी महली ने कहा सामने आनी चाहिए सच्चाई। खुलासे को लेकर एमआईएम नेता ओवैसी का बयान, सच्चा मुसलमान मस्जिद के लिए नहीं कर सकता पैसे का सौदा। आज तक के खुलासे पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा राम के नाम पर रुपए पैसे की बात ठीक है। निर्मोही अखाड़ा के आरोप पर विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय महासचिव सुरेंद्र जैन का बयान, पैसे का पूरा हिसाब किताब बैंक के जरिए। सुरेंद्र जैन ने कहा नहीं हुई है एक पैसे की भी गड़बड़ी, पिछली सरकारें हमारी विरोधी थी, अगर ऐसा होता तो क्या हमें छोड़ देते। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का ऐलान, सभी तरह के दालों के निर्यात में अब कोई रोक नहीं, ज्यादा स्टॉक की वजह से फैसला। कैबिनेट की बैठक में अहम फैसला, घर की सब्सिडी के लिए कारपेट एरिया की लिमिट 90 से बढ़ाकर अब 120 वर्ग मीटर। कैबिनेट ने नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी का किया गठन, जीएसटी के फायदे आम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश। भारतीय राजनीति में पीएम मोदी की लोकप्रियता बरकरार, अमेरिकी थिंक टैंक प्यू रिसर्च सेंटर का सर्वे। दिल्ली में प्रदूषण की वजह से निर्माण कार्य पर लगाई गई रोक, हटी ट्रकों की एंट्री को हरी झंडी। 19 नवंबर को दिल्ली में होने वाली मैराथन को दिल्ली हाई कोर्ट से मिली इजाजत, आयोजकों ने कहा दौड़ से नाम वापस लेने वालों के लिए रिफंड पॉलिसी। दिल्ली के प्रदूषण पर कप्तान विराट कोहली ने जाहिर की चिंता, सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर लोगों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने की अपील की। प्रदूषण पर बैठक को लेकर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज का बयान, 10 दिन के लिए जलती है पराली, दिल्ली में पूरे साल रहता है प्रदूषण। 1 दिसंबर को आने वाले हैं निकाय चुनाव के नतीजे,
पत्र में सेंसर बोर्ड से भी लोगों की भावनाओं का आदर करने की अपील। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक उन्हें नहीं मिली ऐसी कोई चिट्ठी। कानून व्यवस्था के सवाल पर ही केंद्र को दखल कहा। पद्मावती बवाल में सियासत तेज। उमा भारती ने कहा फिल्म सेंसर बोर्ड एक स्वतंत्र संस्था, सबकी भावनाओं का रखेगी ध्यान। पद्मावती पर लगातार बढ़ रहा है आक्रोश। करणी सेना ने 1 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया। संजय लीला भंसाली के समर्थन में आई राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस, कहा ठीक नहीं है बिना देखे फिल्म का विरोध। यूपी के मेरठ में क्षत्रिय समाज के लोगों ने दीपिका और भंसाली को लेकर दिया भड़काऊ बयान। सिर कलम करने पर 5 करोड़ का इनाम देने का ऐलान। राजस्थान करनी सेना के प्रमुख महिपाल सिंह, मकराना की धमकी, लक्ष्मण की तरह मैं काट लूंगा दीपिका की नाक। पद्मावती को लेकर जारी है बवाल। जयपुर में धरोहर बचाव समिति ने खोला मोर्चा। फिल्म पद्मावती पर योगी सरकार की मंत्री स्वाति सिंह का बयान, कहा महिलाओं के सम्मान पर सारा समाज फिल्म के खिलाफ खड़ा होगा। भी महिला के अगर सम्मान की बात है तो डेफिनेटली हर महिला ही नहीं पूरा समाज खड़ा रहेगा, जैसे मेरे साथ खड़ा रहा वैसे हर महिला के साथ खड़ा। एमपी के मंदसौर में करनी सेना के निशाने पर आई सीएमओ सविता गौड़, फेसबुक पर फिल्म देखने का किया था पोस्ट। राजस्थान के कोटा में भी फिल्म पर जारी है कोहराम, छात्रों ने फूंका मंसाली का पुतला। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।